के सीएम बघेल ने कृषि यंत्रों की इस वक्त पूजा अर्चना की है। इसी के साथ हरेली तिहाई कार्यक्रम में सीएम बघेल ने कृषि यंत्रों की पूजा के साथ साथ अच्छी खेती और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना करते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने अपने निवास में परिवार के साथ कृषि यंत्रों की पूजा करी। साथ ही सीएम ने इस साल की अच्छी खेती, प्रदेशवासियों को सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, जहाँ पर इस कार्यक्रम का हरेली तिराह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज हरियाली अमावस्या भी है, जिसमें आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इस त्योहार को बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो रायपुर में हरेली तिहार कार्यक्रम दिखा रहे हैं आपको, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें, जहां पर सीएम बघेल ने कृषि यंत्रों की पूजा की है। और असल में देखा जाए जो ये त्योहार होता है, जो एक कार्यक्रम है, कहीं ना कहीं कृषक के लिए बढ़ावा है, किसानों को उचित सुविधा मुहैया कराने के मकसद से इस कार्यक्रम का आयोजन कराया जाता है। देखिए, कृषि यंत्रों की पूजा की जाती है, सीएम बघेल ने खुद कृषि यंत्रों की पूजा करी है। रायपुर में हरेली तिराह कार्यक्रम को किस तरीके से मनाया जा रहा है, ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीर जरा आप देखिए, यहाँ पर बड़े पैमाने पर तमाम लोग उपस्थित हैं और उनके बीच प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल भी सेल्फी यहां पर लेते हुए नजर आपको आ रहे होंगे। तो फिलहाल सीएम भूपेश बघेल ने कृषि यंत्रों की पूजा के साथ साथ एक हरेली तिराह कार्यक्रम में शिरकत की और लोगों का उत्साह वर्धन किया है। तस्वीरें सीधी छत्तीसगढ़ से हैं, जहां पर बड़ी उत्सुकता के साथ लोगों से मिलते नजर आए, सेल्फी लेते नजर आए हैं। इस कार्यक्रम का जो मकसद है वो ये कि किसानों को प्रोत्साहित करना, कृषि यंत्रों की पूजा करना, क्योंकि आज आपको बता दें कि हरियाली अमावस्या भी है और इसी के चलते ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है।